गाजियाबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आखिर अपने बागी उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा को मनाने में कामयाब हो गई। एक के बाद एक हुई लंबी बैठकों के दौर के बाद मीणा ने रविवार को नामांकन वापसी की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद पार्टी ने उन्हें प्रदेश मंत्री के पद से नवाज दिया। दिवंगत विधायक गौतम मीणा के पुत्र कन्हैयालाल मीणा के निर्दलीय नामांकन भरने से भी भाजपा के कैंप में हड़कंप मच गया था। पिछले तीन दिन से उनको मनाने का हर संभव प्रयास किए जा रहे थे। दो दिन मेवाड़ में रुके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक रिसोर्ट में कन्हैयालाल से मुलाकात की, वहीं से उनकी वापसी का रोड मैप बना, जिसको ग्राउंड पर अंजाम दिया धरियाबाद विधानसभा चुनाव प्रभारी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने। राजेंद्र को प्रभारी बनाने के बाद भाजपा ने उन्हीं पर यह जिम्मेदारी सौंप दी थी। वे बागी प्रत्याशी कन्हैयालाल की नाराजगी दूर करके उन्हें भाजपा प्रत्याशी खेत सिंह मीणा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए राजी करें। राठौड़ लगातार क्षेत्र में रहकर मीणा से संपर्क में रहे और उनको मनाने में जुट गए। ग्राउंड पर उन्होंने मीणा को मनाने की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी थी। उदयपुर जिले के उप प्रमुख पुष्कर तेली ने मध्यस्थता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पूनिया से मुलाकात भी कराई थी। बाद में लसाड़िया में मौजूद राजेंद्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, बड़ी सादड़ी के पूर्व विधायक गौतम दत्त आदि पदाधिकारियों ने पूरी घेराबंदी कर मीणा से दोपहर बाद पार्टी के मंच पर ही रहने का ऐलान कर दिया। राठौड़ ने वहां कन्हैयालाल मीणा समर्थकों को संबोधित करते हुए आश्वस्त किया कि आप हमें दो साल दे दो, अगली बार कन्हैयालाल ही आपके उम्मीदवार होंगे। कन्हैयालाल ने कहा कि वे पार्टी मंच से हटकर अलग नहीं जाएंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए पिता ने आहुति दी थी, ऐसे में मेरा काम भी पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही एकजुट होकर पार्टी का काम करने की अपील की। इस मौके पर सभी मंडल के अध्यक्ष व कार्यकर्ता उपस्थित लसाड़िया में कन्हैयालाल ने कहा कि वे पार्टी के साथ हैं। सूत्रों के अनुसार लसाड़िया बैठक में उनको प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व से 2023 में चुनाव के टिकट में के लिए आश्वस्त किया। इधर प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बताया कि डॉक्टर पूनिया के निर्देश अनुसार धरियाबाद में पूर्व प्रधान कन्हैयालाल मीणा को भाजपा प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे धरियाबाद सहित आदिवासी क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी। ठीक है, परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आती है, सबके सामने सब कुछ सामने दिखता है अच्छा है, लेकिन कभी कभी स्थितियां बिगड़ जाती है। अब जितना दुख आपको है उतना मुझे भी है, कौन नहीं चाहेगा एमएलए बनना। आप आज निर्दलीय के रूप में आप मेरे साथ खड़े हो, तन मन धन से खड़े हो, तो किसकी भावना नहीं होगी। लेकिन कहीं कहीं अपन चुनाव भी जीत जाएंगे, लेकिन आगे आप और हम सभी कार्यकर्ता बंधु अपने जो मूल पार्टी संगठन है उससे भटक जाएंगे, और जिस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे स्वर्गीय विधायक महोदय ने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की और अन्य कार्यकर्ताओं की चिंता करते हुए प्राणों